कृष्ण। तो आज हम श्रीमद्भागवत के तीसरे स्कंध के 29वें अध्याय आठवें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। माता देवउठनी के प्रश्न के उत्तर देते हुए भगवान कपिल उनके उत्तर प्रश्न के उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। माता देवहूति ने भक्ति के विषय में और अधिक बताने के लिए श्री कपिल भगवान से प्रश्न किया और अब भगवान जो है इस भक्ति का मार्ग के विषय में पिछले श्लोक में हम पढ़ चुके हैं। भक्ति के अनेक अनेक मार्ग साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग। अभी यहाँ पे जो गुण वर्णन किया जा रहा है साधक का है, कोई भौतिक वादी व्यक्ति का बात नहीं किया जा रहा। साधक तो साधक अनेक प्रकार के होते हैं, उनके अंदर गुण होते हैं अनेक और इस गुणों के अनुसार अनेक मार्ग, पर भक्ति जो है अद्वितीय है। भक्ति मार्ग अद्वितीय है, वन विदाउट अ सेकेंड। किंतु भक्तों की परिस्थिति के अनुसार भक्ति अनेक प्रकार की प्रतीत होने लगती है, जो अब इन श्लोकों में बताया जा रहा है। गुण जैसे कि तीन गुण है, अब यहाँ पे तमोगुण में भक्त उनका स्वभाव ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंसक, क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुणी प्रधान मानी जाती। तमोगुण प्रधान तमोगुण में जो साधक इस प्रकार से तमोगुणी गुण उनमें है, तमोगुणी या तमोगुण प्रधान भक्ति भक्ति के मार्ग भी ये बहुत जरूरी है कि हमें जाना। क्योंकि अंत तत्व हमें भक्ति करनी है, हम कितना भी भागवत कथा सुने कितना भी वो अच्छी बात, लेकिन अगर हम
हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं, हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं, तो वो तमोगुणी है। तो शुद्ध भक्ति क्या है वो जानना बहुत जरूरी। जो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में द्वितीय अध्याय में पहले ही कहा जा चुका है सर्वोच्च सर्वाधिक यशस्वी धर्म है और है हेतु की भक्ति की प्राप्ति। क्या बताया गया कि सर्वोच्च सर्वाधिक यशस्वी धर्म है हेतु की भक्ति की प्राप्ति। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के छठे श्लोक में शुद्ध भक्ति। तो अगर हम शुद्ध भक्ति क्या है जानते ही नहीं है, शास्त्र को क्रमशः पढ़ते नहीं है, सीधा ऊंचा लेवल भगवान की रास लीला, भगवान की कथाएं, भगवान के लीलाएं, ये जो तमोगुणी व्यक्ति है उससे वो क्या हो सकता है, उसका बीमारी और भी बढ़ सकता है। अगर उसको जो है सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। तो श्रीमद् भागवत के इस पहले स्कंद में बताया गया है कि सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यथात्म सुप्रसिद्धति। इष्ट भक्ति का वर्णन किया संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति या धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करे या कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा खंडन अखंडन नहीं होनी चाहिए जिसे आत्म पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके, खंडित नहीं और अकार। संपूर्ण मानव समाज के लिए तो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है श्रीमद् भागवतम में। नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि थे इन्होंने सूत गोस्वामी को यही पहला प्रश्न पूछा। ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया कि वे समस्त प्राणियों प्रमाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पतित आत्माएं या जन सामान्य
उसे सरलता से ग्रहण कर सके। ये पहला प्रश्न मसूद गोस्वामी ने संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते पीरियड। और कोई नहीं है, फुल स्टॉप। तुरंत उन्होंने जवाब दिया, उनको ज्यादा घुमाया नहीं है। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई हुई, एक प्रवृत्ति मात्र या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है और दूसरी निवृत्ति मात्र या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। तो ये श्रेष्ठ मार्ग। तो ये भक्ति कैसी होनी चाहिए? अकारण अहेतु की, अधोक्ष मतलब भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। भगवान को अधोक्षज कहते हैं क्योंकि हम अपनी स्थूल इंद्रियों से हम उनको नहीं जान सकते। अक्षज मतलब इस इंद्रियों के माप से, इन इंद्रियों के द्वारा जो है हम भगवान को नहीं जान सकते। तो अक्षज का मतलब इस इंद्रिय की माप और अधोक्षज मतलब इस इंद्रियों से, इस स्थूल इंद्रियों से को नहीं जान सकते। भक्ति और भगवान की कृपा से स्वयं स्फूर्त। और ये भक्ति कैसी है? हेतु की, अकारण, कोई कारण है। और अप्रतिहता मतलब अखंडित, वो स्वयं स्फूर्त है और हर अवस्था में वे हमेशा रहती है, वो खंडित नहीं। कि किसी भी अवस्था में अगर हम रहे, भक्ति खंडित नहीं होनी चाहिए। भक्ति हमेशा रहनी चाहिए। उदाहरण प्रहलाद महाराज, हम देखते प्रहलाद महाराज को कितना कष्ट दिया गया उनके पिता द्वारा। और इस ऐसे कष्टों में हमारा मन जो है, अगर हमारे हमें कष्ट आता है तो मन जो विचलित हो जाता है, मन स्थिर नहीं। पर ये शुद्ध भक्ति ऐसी है और शुद्ध भक्त ऐसा है कि
कि वे अहितु की अप्रतिबद्धता, कोई कंडीशन नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, और अनेक अनेक परिस्थिति में रहते हुए भी प्रहलाद महाराज जो है वे जो है भक्ति करते रहे। हम देखते हैं सातवें स्कंद में वर्णन आता है, और ऐसे परिस्थिति में घोर खतरे में रहते हुए भी वे अपने सहपाठियों को प्रचार कर भक्ति के विषय, तो भक्ति को रोका नहीं जा सकता है। भक्ति की कोई कारण नहीं है, तो ये मनुष्य जीवन वैसे भी ऐसे ही है। मनुष्य जीवन जो है एक प्रकार के रुग्ण अवस्था है, फिर प्रपंच बता रहा है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अवस्था है, जहां जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। तो अगर इस प्रकार की भक्ति, क्योंकि यही एक रास्ता है, भक्ति ही एक रास्ता है कि आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके, तो ये शुद्ध भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। श्रील प्रभुपाद जी आज के श्लोक में कहते हैं कि शुद्ध भक्ति का एकमात्र ये भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। कोई भी अवस्था क्यों ना हो, सुख में दुख में, क्योंकि इस भौतिक जगत में परिस्थितियां बदलती जाती है, गुणों के अनुसार परिस्थितियां बदल जाती हैं। जहां पे भी रहे, जहां पे भी जाए, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम भगवान की भक्ति जारी रखनी चाहिए। और हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करें। तो एकमात्र यही है उद्देश्य, भगवान को प्रसन्न करना होता है। समसिद्धिर हरि तोषणम। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि वस्तुतः ये घेय नहीं है, ये जीव की शुद्ध अवस्था है। ये शुद्ध अवस्था है, ये स्वभाव ही है जीव का, शुद्ध अवस्था भक्ति, प्रेम भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, उसको शुद्ध। आत्मा के असली असली स्वरूप यही है। बद अवस्था में रहकर जब कोई भक्ति में प्रवृत्त होता है, तो उसे पूर्णतया समर्पित भाव से प्रामाणिक गुरु का आदेश मानना चाहिए। तो अभी हम इस भौतिक, हम बद अवस्था में हैं, और बद अवस्था में रहने के कारण ये तीनों गुण और हमारी परिस्थितियां, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें हमारे मार्ग से हिला देती है। पर इस
इस बद अवस्था में भी हमें जो है प्रामाणिक गुरु के आदेश मानना चाहिए। कहां पे भी जाए, कहीं पे भी रहो, कहीं पे भी हमारी अवस्था क्यों ना हो, चाहे हमारा शरीर ठीक है या बीमार है, जो भी है, हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि गुरु के आदेशों का पालन करना, गुरु की शरणागत होना अनिवार्य है। अगर हम गुरु के शरण में नहीं जाते तो हम इस बद्ध अवस्था में जो है बंधे रहेंगे, और उसके कारण जो है हमें समझ में नहीं आएगा हमें किस मार्ग पे रहना है। गुरु का आदेश सबके लिए, गुरु कोई ना कोई आदेश देता है, सामान्य तौर पे सभी को मुक्ति में रहना है, सुबह को जल्दी उठना है, हरि नाम का जप करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, भक्तों के संग में रहना है, श्रवण कीर्तन करना है, प्रचार करना है। क्यों प्रमाणिक गुरु? गुरु परमेश्वर का प्रकट प्रतिनिधि होता है, क्योंकि वह ईश्वर से आदेश प्राप्त करता है और उन्हें यथारूप प्रस्तुत करता है, क्योंकि वे शिष्य परंपरा से चले आते हैं। गुरु साक्षात धरित्रेन समस्त शास्त्र, गुरु भगवान नहीं है, गुरु जो है प्रतिनिधि, प्रामाणिक प्रतिनिधि है, जो यथारूप शास्त्र नहीं कि अपने मन से। तो इसीलिए यहां पे बताया गया है कि शिष्य परंपरा, जो भगवत गीता में भी भगवान चौथे अध्याय में बताते एवं परंपरा, भगवत गीता में कहा गया है कि उनमें निहित उपदेशों को शिष्य परंपरा से प्राप्त किया जाए, अन्यथा उसमें मिलावट। यथारूप प्रस्तुत करना चाहिए, अगर गुरु परंपरा में नहीं है तो उसमें मिलावट होगी। पहला ये जन्म मृत्यु का सवाल है, हमारे जन्म और मृत्यु का सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। तो इसीलिए हमें ज्ञान होना चाहिए कि किससे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे जो गुरु, सेल्फ मेड गुरु, जिसका कोई गुरु परंपरा नहीं है, कौन चेक करेगा? गुरु परंपरा मतलब जो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है वे प्रामाणिक है। कोई भी अपना मन से निकली हुई बात और उसमें मिलावट करके अपने मन के अनुसार प्रस्तुत करेंगे। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य यहां पे भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का जो है प्रमाण दिया जा रहा है, यह है गुरु परंपरा। कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते प्रभुपाद जी के तात्पर्य को। ऐसे प्रामाणिक गुरु परंपरा हमारे आचार्य है, श्री रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सद गोस्वामी, उनके जो जो ग्रंथ प्रस्तुत किए गए हैं, ये जो प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं। और प्रभुपाद जी जो है हमें इन प्रामाणिक शास्त्रों, अपने आचार्यों विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, गोस्वामी,
Sridhar Swami, Sri Sanatan Goswami, Jiva Goswami. अगर हमको हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, we want to have the cake and eat it too, we want to enjoy, तो उसके लिए तो ये जो है मिलावटी जो चीजें हैं उससे लक्ष्मी प्राप्त। हम एडुकेशन प्राप्त करने के लिए want to go to best university, प्रामाणिक यूनिवर्सिटी, क्यों रास्ते पे किसी को मिलते उनसे ज्ञान क्यों नहीं लेते? ज्ञान तो ज्ञान है कि नहीं, तो क्यों जाते हैं? लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के समय हम रास्ते में चलते फिरते, अभी सोशल मीडिया और दादा दादी नाना नानी इनसे आई गई सब ज्ञान कहां प्रमाण स्वीकार करने, क्योंकि हमें इंद्रिय तृप्ति में कोई जो है रुकावट ना है। हमें हमारी इच्छा भी होनी चाहिए और हम धार्मिक दिखने चाहिए, अच्छी बात है। अगर हमें ठगे जाना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, भक्ति शास्त्र प्रामाणिक है, हम उसे स्वीकार करें या ना करें वो उसकी स्वतंत्रता तो भगवान है। भगवान हमारे परम पिता है, बहुत दयालु है, भक्ति जबरदस्ती से ले स्वतः समझना चाहिए। भगवान भगवान तो इन दो भगवान को तो मानते ही नहीं है, किसी को भी भगवान बना देते, किसी को भी गुरु बना देते, क्योंकि भगवान कौन है जानते ही नहीं है। श्री भगवान को प्रसन्न रखने के ध्येय से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन के अनुसार कर्म करना ही शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति क्या है? प्रामाणिक गुरु क्या है? प्रामाणिक गुरु में कौन है? जो गुरु परंपरा में जो हमें वो लाइन ऑफ डिसाइपलिंग सक्सेस, वो लाइन कहां से? कृष्ण से शुरू होती है, ब्रह्मा जी से निकलते हुए नारद जी से आकर अभी जो उपस्थित जो गुरु है वो कनेक्शन होना जरूरी। ये भगवान अर्जुन को कहते कि मैं इस भगवत गीता का ज्ञान तुझे पुनः जो करोड़ों साल पहले सूर्य देव तो दिया गया, उस ज्ञान को मैं, वही ज्ञान को मैं, क्योंकि ये जो है परंपरा टूट गई, मैं ये परंपरा फिर से भगवान ही स्थापित कर सकते हैं एवं परंपरा प्राप्त। तो ये शुद्ध भक्ति गुरु के आदेशों का निर्देश के अनुसार, क्यों? क्योंकि हम भौतिक जगत में माया के इस युद्ध में हम कटे जाएंगे। माया भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति से कोई जीत सकता है? कटे जाएंगे बुरी तरह अगर हम सावधान या ध्यान न दें। लेकिन यदि उनका ये व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति हो तो उसकी भक्ति भिन्न प्रकार से प्रकट होती, तो अनेक अनेक प्रकार, मतलब प्रकार नहीं है, प्रकृति तो एक ही है,
लेकिन अपनी जो व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति की जो इच्छा है, तो भक्ति भिन्न प्रकार से प्रकट होती है। और यहाँ पे ये भिन्न प्रकार की भक्ति का वर्णन श्री कपिल मुनि स्पष्ट रूप से, यहाँ पे भी भगवान ही बोल रहे हैं, साधारण मुनि नहीं। तो ये प्रमाण है, आराम से हम इन सब चीजों को नहीं मानते। हम अपने अपना ही मन से बनाएंगे किसी को भी गुरु। जितपा पिट मल के शरीर से मल निर्जन्म और मृत्यु वैसे ही हो, कुत्ते बिल्ली जैसे वैसे नहीं। ऐसा व्यक्ति जो गुरु परंपरा में नहीं है और जो गुरु का आदेश नहीं पालन करता है, वो सिर्फ दिखाता है। तो ये जो है भक्ति साधक का वर्णन किया जा रहा है। भौतिकवादी लोग तो उनका तो कहना ही क्या, लेकिन साधकों में भी है, भक्ति में ये प्रकार है। वो कौन से व्यक्ति है जो इस प्रकार से गुरु के आदेश को नहीं पालन करते हैं? वैसा व्यक्ति हिंसक, दम्भी, ईर्ष्यालु तथा क्रोधी हो सकता है, और उनके स्वार्थ भगवान से पृथक होते हैं, सेपरेटिस्ट भगवान से पृथक। भगवान जब चाहे भगवान का जो है डाल देते, भगवान के नाम पे ठोक देते, और जब नहीं चाहिए तब नहीं कहते। पर उनका जो है मन भगवान के साथ, मत भगवान के साथ नहीं है। गुरु के मत और उनके मत एक नहीं होते। ईर्ष्यालु होते हैं, क्रोधी होते हैं, हिंसक होते हैं, अपनी इंद्र तृप्ति को यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया ताकि हम जाने कि हम कहाँ है। जो व्यक्ति भगवान के पास भक्तिमय सेवा करने के उद्देश्य से जाता है, किंतु अपने व्यवस्थित व्यवस्थित व्यवस्थित्व के प्रति गर्वित रहता, व्यस्तित्व 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 के प्रति गर्वित रहता है। मैं बड़ा भक्त, सबसे बड़ा भक्त मैं हूं, मैं पहले स्नान करूंगा, मैं पहले ये करूंगा, मेरा मैं गुरु का आदेश। कितना आदेश पालन कर रहे हो भैया तू, कितना आदेश पालन कर रहे हो भैया सोचो। जो अपने अस्तित्व के प्रति गर्वित रहता है, अन्यों से ईर्ष्यालु रहता, ये कौन है, इसका क्या सुन के करेंगे, इनके साथ क्या सुनेंगे, और प्रतिशोध लेता, वो क्रोधी होता है, वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भक्त समझता। और हम भी सावधान रहे, हमें ये जानना चाहिए कि किसके साथ हम संगत कर। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्पष्ट रूप से कहते हैं ऐसे तमोगुणी भक्तों से दूर रहना चाहिए। हमारा डिस्टर्ब करते, भक्ति को डिस्टर्ब करते, भाव को डिस्टर्ब करते, उनको पता नहीं कहाँ है, कहाँ धाम में है, कि कैसे व्यवहार करना, किधर कैसे व्यवहार करना, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना, दूर उनकी जगह पे वे अच्छे हैं, हम अपनी जगह पे छोड़ दो। और फिर क्या करते हैं? दूसरे जो है
उनको ज्ञान नहीं क्योंकि शास्त्र पढ़ते नहीं है। दीक्षित, अरे उसने क्या दोष है, उसको माफ कर दो या उसको ये करो, ऐसे नहीं। श्री चैतन्य महा श्रीवास आंगन में जब कीर्तन होता था तो एक बार जो कोई भक्ति के जो इस भाव को नहीं समझता आ गया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जितनी से कि वो यहाँ आ गए क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाता, भक्ति को डिस्टर्ब कर, अपने भाव को डिस्टर्ब करते हैं। तो वो जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, इस प्रकार की गई भक्ति शुद्ध नहीं है, ये मिश्रित है और निम्नतम कोटि की, अर्थात तमस तामसिक है, तमसा है, तामसिक। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का देश के ऐसे चरित्र वाले से दूर रहना चाहिए। वैष्णव दयालु होता है, बहुत ही मौका प्रदान करे कि चलो ठीक हो जाए, ठीक जब अंत में हम डूबने लग जाते हैं, सोचते हैं हमें डुबाया जा रहा है, नहीं सर। वैष्णव वह है जो भगवान को जीवन का परम लक्ष्य, अपने परम लक्ष्य से अगर डूब, और ऐसा भी होता है कि हम खुद है तो हम दूसरों को भी वैसे ही समझते हैं। एक्चुअली जब हम बोलते हैं वो सब हमारे विषय में हम बोल रहे हैं, किसी के विषय में अगर हम बता रहे, आपको कैसे पता ऐसा है ये व्यक्ति क्योंकि आप ऐसे है, नहीं तो कैसे पता लगेगा। भगवान के विषय में या परम लक्ष्य, किंतु यदि कोई शुद्ध नहीं है और कामनाएं रखता है, बहुत कामनाएं, धन, बड़ा घर, यश, नाम हो, ठगना दूसरों को, उसके लिए कुछ भी करके, भगवान तो दूर सेपरेट, नाम के वास्ते भगवान के, भगवान तो क्या ये निखाली दिखावा। किंतु यदि कोई शुद्ध नहीं है तो कामनाएं रखता है तो उत्तम चरित्र वाला प्रथम कोटि का वैष्णव नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का हम जो है निंदा नहीं करते, क्योंकि वो भी भक्त, निंदा नहीं। तो सलाह क्या दी जा रही है और शास्त्रों के अनुसार हमें चलना है, यहाँ पे कंपैशन, दया ये दिखाना, कितने हद तक दया दिखा जा सकता, दिखाई जा सकती है, इतने हद तक 20 साल 25 साल बहुत ज्यादा बचा। अगर परिवर्तन है लेकिन इतने समय से नहीं, तो बेस्ट ही से बस बहुत। इट टेक्स वन स्ट्रॉ टू ब्रेक द कैमल्स बैक। ऐसे हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए
कि अगर ये अरे भक्त है तो ऑब्वियसली जो लोग भक्ति में नहीं है वो लोग देखेंगे अरे ये तो भक्त है, ईर्ष्यालु है, क्रोध क्रोध करता है, प्रतिशोध करता है, तो उनको क्या समझेंगे कि ये भक्त सब ऐसे ही है। पर हम भक्त जो है वे जानते कि एक श्रेणी एक प्रकार का, तो इसीलिए हम ज्यादा इसके लिए कोई लोग बाहर के लोग बहुत अरे इस्कॉन में तो ऐसे ऐसे भक्त है कैसे बात करते हैं, उनको बात करने को नहीं आता है, वो क्रोधित होते हैं, उनको वो धन के पीछे रहते हैं, उनको धन चाहिए। पर भक्ति में है लेकिन कैसे भक्त है? ये निम्न निम्न कोटि के तामस तमसा भक्त। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे अन्य भक्त नहीं है जो शुद्ध भक्त है, बहुत सारे शुद्ध भक्त, उस शुद्ध भक्त की संगति ढूंढो ना। अगर आपको नहीं मिला और आपको अगर बाय चांस जो है ऐसे भक्तों के संपर्क में आ गए, तो अगर हमारी इच्छा है स्कूल कॉलेज में जाते, इतने बड़े कॉलेज में जाएंगे IIT में, तो कुछ जो जो स्टूडेंट्स होते हैं जो सिगरेट फूकते हैं या कुछ करते रहते हैं या कुछ गंदी गंदी बात, ना उद्देश्य क्या है कि हमें जो है परम ज्ञान प्राप्त करना है। तो अगर हमारा उद्देश्य है कि परम सत्य को प्राप्त करना है तो इनसे हम दूर रहते कि नहीं हम? पर अपने मार को क्यों, अरे नहीं नहीं स्कूल इस कॉलेज में सब गंदे लोग हैं वो ऐसे ऐसे करते मैं छोड़ दूं तो फिर क्या होगा, अपना लक्ष्य खो देंगे। तो इसीलिए ऐसे वैष्णव का आदर किया जा सकता है क्योंकि उसने भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मान लिया। तो हमें कैसे करना है, जो भक्त अपने भगवान को अपना जीवन के परम लक्ष्य जान लिया उनको आदर करना चाहिए और ऐसे भी भक्तों का आदर करना चाहिए, हमें किसी का भी निरादर नहीं करना चाहिए। तो भाई मुझे शांति चाहिए, आप शांति से रहो, आप कोई दोष नहीं, खुद को हमें जानना है कि हमें दोष। किंतु जो वैष्णव तमोगुणी तामसी हो उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। सेंटेंस, फाइनल सेंटेंस, फाइनल वर्डिक्ट ऑफ प्रभुपाद फॉर योर ओन। सो अगर आपको लगता है कि नहीं कोई वैष्णव है वो तो ऐसा ही है, वो ठीक है ना, आप उनके साथ संग रखो, पर हमको क्यों पीछे पड़ रहे हो उसके संग, या उनको आपको आप इतने सारे वैष्णव हैं हमें चुनना, हमें किसका संग रखना। हम कभी कभी संग रखते अपना काम निकालने के लिए, वो भी नहीं तो काम निकालने के लिए फिर हमारा ही नाश। तो इसलिए यहाँ पे कपिल मुनि कहते हैं कि भक्ति का मार्ग जो है अद्वितीय है, किंतु भक्तों की परिस्थिति उनके स्वभाव के कारण ये प्रकार बताए गए। तो हमें इन प्रकार से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं जानेंगे, भगवान नहीं बताएंगे कि सावधान भक्ति में भी ऐसे, तो डोंट ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, कॉलेज से ड्रॉप आउट मत हो इन सब लोगों को देखने से, भगवान का मुख देखो, भगवान की सुंदर मुखारवंद पर, भगवान की श्री चरण कमलों में शरणागत हो, पर भगवान हमें ऐसे भक्तों का संग दिए जो भगवत प्रेमी है, हमारा
हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हम अपने गुरु के आदेश के अनुसार किसी भी परिस्थिति में उनके आदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को चलाए। ग्रंथ राज श्रीमद भागवत जय बहुत। थैंक यू।